हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्क्यूरी इन थर्ड हाउस, बुध कुंडली के तीसरे घर या तीसरे भाव में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, लेसन की शुरुआत करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात, बुध के मैं यहां पर जो भी फल बताऊं, जो भी परिणाम बताऊं, उसके अनुपात पर पहुंचने से पहले उसकी डिग्री देख लें। यदि बुध की डिग्री 10 से लेकर 20 तक है तो ही वो अपने ज्यादा फल दे पाएंगे। यदि बुध की डिग्री 10 से नीचे या 20 के ऊपर है तो उनके फलों में क्रमशः कमी आएगी, तो डिग्री देख लें। अगली बात दोस्तों ये कि बुध की एक दृष्टि होती है। बुध जहां बैठते हैं वहां से अपने सातवें घर को भी देखते हैं, अर्थात सातवें घर को भी प्रभावित करते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टियां क्या होती हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाएं, फर्स्ट टू वीडियोज देखें, आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। अगली बात दोस्तों ये कि बुध जब तीसरे घर में होते हैं तो सामान्यतः अपने अच्छे फल नहीं देंगे अपनी महादशा या अंतरदशा में। दोस्तों यहां पर यह समझना जरूरी है कि तीसरा घर तृतीय भाव क्या है। दोस्तों तृतीय भाव है आपकी फिजूल की मेहनत, फिजूल का हार्डवर्क, फिजूल का कठिन परिश्रम, फिजूल का खपना, फिजूल की परेशानियां। हालांकि छोटे भाई बहन और पराक्रम भी है, लेकिन फिजूल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपका तीसरा घर, तीसरा भाव, तृतीय भाव है। तो यहां पर जब बुध बैठेंगे तो नॉर्मली किसी भी नंबर या किसी भी राशि के साथ हो, किसी भी लग्न की कुंडली में हो, सामान्यतः अपने अच्छे फल नहीं देंगे अपनी महादशा या अंतरदशा में। बुध फिजूल का खपना, फिजूल की मेहनत, छोटी मोटी फिजूल की यात्राएं, फिजूल की परेशानी, फिजूल का हार्डवर्क, ये सब चीजें बढ़ा देंगे। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि जब बुध यहां पर बैठेंगे तो ये सब चीजें तो नेगेटिविटी बढ़ा देंगे, लेकिन बुध की जो दृष्टि होगी वो होगी नवे घर पे। तृतीय भाव से बुध की दृष्टि नवम भाव पर होगी, और नवम भाव है भाग्य का भाव, धर्म का भाव, पिता का भाव, एजुकेशन का भाव। तो यहां पर नंबर जरूर काम करेंगे, नंबर्स काम करेंगे। कहने का मतलब ये कि यहां पर हम देखेंगे कि किन नंबर्स या किन राशियों के साथ बुध तृतीय भाव में होंगे तो व्यक्ति का भाग्य साथ देगा, व्यक्ति का एजुकेशन अच्छा रहेगा, व्यक्ति की उसके पिता से बनेगी, और किन नंबर से किन राशियों के साथ होंगे तो व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देगा, व्यक्ति की पिताजी से नहीं बनेगी, और व्यक्ति का एजुकेशन है उसमें भी कुछ ना कुछ तकलीफ परेशानी आएगी। तो दोस्तों वो नंबर्स या वो राशियां मैं आपको बता देता हूं, लेकिन फिर से एक बार कहूंगा कि बुध किसी भी नंबर या किसी भी राशि के साथ तृतीय भाव में हो, व्यक्ति का फिजूल का मेहनत बुध की महादशा अंतरदशा में बढ़ेगी, फिजूल का खपना व्यक्ति का बढ़ेगा, फिजूल का हार्डवर्क व्यक्ति का बढ़ेगा, फिजूल की यात्राएं व्यक्ति की बढ़ेंगी बुध की महादशा या अंतरदशा में। दोस्तों एक बात इसके पहले जान लीजिए, जो मैं नंबर या राशियां बताऊं उसके पहले एक बात यह जान लीजिए कि बुध जो होते हैं वो 6 नंबर या फिर कन्या राशि के साथ उच्च के माने जाते हैं। तो यहां पर भी अपने वैसे ही रिजल्ट्स देंगे, जैसे कि फिजूल का खपना, फिजूल की भागा दौड़ी, फिजूल का हार्डवर्क बढ़ाएंगे। और चाहे 12 नंबर या मीन राशि जिसके साथ बुध नीच के माने जाते हैं तो ऑब्वियसली यहां पर अपने खराब फल ही बुध देंगे। अब दोस्तों वो राशियां वो नंबर बताता हूं जिनके साथ चलो कठिन परिश्रम, कठिन कार्य, हार्डवर्क, छोटी मोटी यात्रा तो करना पड़े, लेकिन कम से कम भाग्य भी साथ दे, एजुकेशन में सफलता मिले, पिता से व्यक्ति को साथ मिले, पिता की व्यक्ति रिस्पेक्ट करने वाला हो, पिता स्थान व्यक्ति का कम से कम अच्छा रहे। वो नंबर या वो राशियां मैं बता देता हूं जिन नंबर्स या जिन राशियों के साथ बुध तृतीय भाव में बैठेंगे तो ये सब चीजें भाग्य को लेकर के, पिता को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के अच्छी हो। दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, यदि बुध तृतीय भाव में एक नंबर या फिर मेष राशि के साथ हो तो यहां पर नवम भाव को लेते हुए बहुत अच्छे फल देंगे। 3 नंबर या फिर मिथुन राशि जो खुद बुध की राशि है उसके साथ, 4 नंबर या फिर कर्क राशि, 5 नंबर या फिर सिंह राशि, 8 नंबर या फिर वृश्चिक राशि, और 9 नंबर या फिर धनु राशि। यदि इन नंबर्स या इन राशियों के साथ बुध तीसरे घर में तृतीय भाव में बैठे हैं तो भाग्य को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, पिता को लेकर के, कहने का मतलब ओवरऑल नवम भाव को लेते हुए बुध अपने बहुत अच्छे फल देंगे। लेकिन अगेन फिर मैं कहूंगा, चाहे इन नंबर या इन राशियों के साथ बुध बैठे हों, चाहे किसी भी नंबर या किसी भी राशि के साथ बुध बैठे हों, व्यक्ति की
भागा दौड़ी व्यक्ति की फिजूल की मेहनत, फिजूल का हार्डवर्क, फिजूल की परेशानियां तो जरूर बढ़ाएंगे यदि भूत की महादशा या अंतरदशा चल रही है व्यक्ति को। तो तब दोस्तों इस परिस्थिति में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बुध का जो रत्न पन्ना होता है, चाहे अच्छी राशियों के साथ बुध बैठे हों चाहे बुरी राशियों के साथ बुध बैठे हों, अच्छी राशियां जो मैंने आपको बताई उसके अलावा जो राशियां बची उन राशियों के साथ बुध भाग को लेकर के खराब फल देंगे। तो यदि अच्छी राशियों के साथ बुध बैठे हों या खराब राशियों के साथ बुध बैठे हों, बुध अपने अपनी महादशा अंतर्दशा में ऑब्वियसली फिजूल का मेहनत, फिजूल की परेशानियां बढ़ाएंगे, तो बुध का रत्न पन्ना व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए। इस स्थिति में बुध देव की शांति करना चाहिए। अब बुध देव की शांति कैसे होगी? बुध देव का एक बीज मंत्र है, ओम बूम बुधाय नमः। इस बीज मंत्र की आपको एक माला का जप सुबह से रोज जरूर करना चाहिए, स्पेशली तब जब आपको बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और बुध तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तो और नीच के यदि 12 नंबर के साथ यदि बुध बैठे हुए हैं, अच्छा चाहे बुध का नीच भंग ही क्यों ना हो गया हो, चाहे बुध का यदि नीच भंग भी हो गया हो 12 नंबर में या फिर तृतीय भाव में, तो भी बुध यहां पर बहुत अच्छे फल नहीं देंगे। तो दोस्तों यदि बुध नीच के बैठे हो, चाहे उच्च के बैठे हो, चाहे कैसे भी बैठे हो, बुध देव का मंत्र जो है ओम भूम बुधाय नमः, इस बीज मंत्र की एक माला का जप आपने रोज सुबह जरूर करना चाहिए। इससे बुध देव के जो खराब फल, जो भागा दौड़ी, जो व्यर्थ का संघर्ष, व्यर्थ की परेशानियां, फिजूल की मेहनत, फिजूल का हार्डवर्क, ये जो सब चीजें चल रही हैं उनमें जरूर आपको शांति मिलेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि बुध तृतीय भाव में कैसे फल देंगे, किन नंबर से किन राशियों के साथ किस भाव को लेते हुए अच्छे फल देंगे और किस भाव को लेते हुए खराब फल देंगे। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।